Hello friend, welcome to Isotope classes. Today I am coming with my new video from Animal Kingdom. I am Phylum Platyhelminthes या Flatworm. ठीक है, Platyhelminthes को हम लोग Flatworm भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि ये एक पन्ने की तरह होता है, एक पेज जो होता है, मतलब dorsally या ventrally कैसा होता है, एकदम चिपचिपटा होता है, एकदम flat होता है, इसलिए हम उसको Flatworm कहते हैं. Remember it, worm क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे नुकसानदेह होता है, इसलिए हम वॉर्म कहते हैं. तो चिपटा हुआ है फ्लैट वॉर्म, नाम में बहुत कुछ कहता है, ध्यान रखेंगे. ठीक है, आइए मैं आपको बताता हूँ कि इसके जितने फीचर हैं उसको मैंने, जैसे कि अपने हर ट्रिक मैंने एक सेंटेंस में बताने की कोशिश करता हूँ, वैसा इसमें भी इस फाइलम के बारे में जितने फीचर एनसीईआरटी में बताए गए हैं उसको मैंने एक लाइन में बताने की कोशिश करी है. ठीक है, देखिए यहाँ पे एक मैंने लाइन लिखी है, आई होप फॉर टैप. ठीक है, ठीक है, आपके बहुत सारे होप हैं, आपके होप है जैसे कि मेडिकल कॉलेज जाना, वैसे किसी बंदे का होप है टैब खरीदना है, आई होप फॉर टैब. ठीक है, इस सेंटेंस से ही आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी. देखिए आई मैं शुरू करता हूँ. देखिए आई, आई यहाँ पर दो चीजों को रिप्रेजेंट करता है, आई इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. रिमेंबर इट, आई क्या बताता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. एच बताता है हुक एंड सकर. याद रखें जो Platyhelminthes होते हैं, जितने भी पैरासिटिक फॉर्म पाए जाते हैं उनमें हुक और सकर पाया जाता है. ठीक है, देखिए क्योंकि हुक और सकर का यूज क्या है, थोड़ा सा आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे पता चल जाएगा, वैसे मैं बताता हूँ. देखिए हुक और सकर उसको मदद करता है कि किसी भी सरफेस से अटैच रहने में और उससे अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करने में, ये उसका हुक और सकर उसके मदद करते हैं. ठीक है, ओ फॉर ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है. जैसा कि हमने पिछले दो फाइलम तीन फाइलम में देखा था कि वहां पे कहीं भी ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, यहाँ पर क्या आ गया? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सवाल पहला ये बन सकता है कि पहली बार ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आया किस फाइलम में? दैट इज फाइलम Platyhelminthes. रिमेंबर इट. ठीक है, यहाँ पी बताता है प्लेनारिया. ये बहुत मैंने अपने सेंटेंस में प्लेनारिया को इसलिए यूज किया क्योंकि प्लेनारिया इस फाइलम का सबसे बढ़िया एग्जांपल और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला एग्जांपल है, दैट इज प्लेनारिया. क्यों? क्योंकि इसमें हाई रीजनरेशन कैपेसिटी पाई जाती है. ये एक ऐसी फाइलम है जिसमें रीजनरेशन कैपेसिटी सबसे अधिक होती है. इसे कितने भी टुकड़े कर दें, हर टुकड़ा एक ऑर्गेनिज्म में तैयार हो सकता है. ई इंडो पैरासाइट है. ये कैसे होते हैं? ये लोग इंडो पैरासिटिक फॉर्म, ये सारे कैसे होते हैं? इंडो पैरासाइट होते हैं. ठीक है, इसमें फ्लेम सेल पाया जाता है. याद रखें इसमें फ्लेम सेल है. फ्लेम सेल ऑस्मोरेगुलेशन या एक्सक्रीशन में मदद करता है. याद रखें, पूछ सकता है आपसे कि फ्लैट फॉर्म में जो हमारा ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन है वो क्या है? तो दैट इज फ्लेम सेल. यहाँ पर टी बताता है ट्रिप्लोब्लास्टिक. ये कैसे होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं. इससे पहले जितने भी तीन फाइलम पढ़ी उसमें हमने डिप्लोब्लास्टिक थे, यहाँ पहली फाइलम है जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक. ठीक है, यहाँ पर अभी तक हमने अपनी तीन फाइलम में कहीं भी ये नहीं बताया कि सिलोम शब्द का यूज नहीं, इसका मतलब सिलोम पहले थी नहीं, पहली बार सिलोम आए. यहाँ पर सिलोम के कुछ लक्षण थोड़े बहुत दिखे लेकिन वो सही सिलोम सिलोम था नहीं, तो बोला गया ए सिलोमेट है. ठीक है, कैसे हैं ये लोग? ए सिलोमेट है. बाइलेटरल सिमेट्री है, सिमेट्री इनकी बाइलेटरल. इससे पहले हमने जितने पढ़े थे वहां पर हमने पढ़ा था रेडियल सिमेट्री. ठीक है, ठीक है, आई होप फॉर टैब में ही सारे फीचर्स बताए जा चुके हैं. ठीक है, एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखेंगे, तीन एंसाइम दिए हैं, तीनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. कभी कभी यही पूछ लेता है कि लीवर फ्लूइड किसे कहते हैं, चार ऑप्शन देख के आपसे पूछा जाएगा. ठीक है, टेनिया को हम लोग टेपवर्म कहते हैं, फेसियोला लीवर फ्लूइड कहते हैं, और प्लेनारिया जिसमें हाई रीजनरेशन कैपेसिटी पाई जाती है, ये ऑलरेडी 2014 एग्जामिनेशन में नीट एग्जामिनेशन में आ चुका है. ठीक है, आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और